समय, टाइम, मौसम, वेदर, WETHER, ऋतु, सीजन, SEASON, ऋतु। अब इसमें देखें दो शब्द हैं, सी मीन्स समुद्र और सन मीन्स बेटा, और सीजन का मतलब ऋतु होता है, और इसी सीजन का मतलब वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में मिश्रित करना, मिला देना, मिक्स, पर्यायवाची बता रहा हूं, मिक्स, सीजन का मतलब मिश्रित कर देना, मिक्स, ब्लेंड, BLEND, मिंगल, MINGLE। तो समय, मौसम, ऋतु, दिन, डे, महीना, मंथ, वर्ष, ईयर, YEAR, इसी ईयर का मतलब वर्ष होता है, और दूसरा जो ईयर है EAR, उसका मतलब क्या होता है, कान। तो समय, मौसम, ऋतु, महीना, दिन, वर्ष, बारिश, रेन, RAIN, इसको व्यक्त करने के लिए कर्ता के तौर पर इट का प्रयोग होता है, और ऐसे में इट का पुनः अपना कोई अर्थ नहीं होता। पूर्व में बता चुका हूं कि इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, प्रारंभिक कर्ता कहा जाता है, आधारभूत कर्ता कहा जाता है, इसे न्यूट्रल सब्जेक्ट भी कहते हैं कुछ लोग, NEUTRAL, न्यूट्रल सब्जेक्ट। इसे एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, एम्प्टी मीन्स खाली, बस केवल खाली कर्ता के रूप में आएगा, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। यह है पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग। अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो 1972 का वर्ष था, इट वॉज 1972, 10:30 बजे होंगे, इट विल बी 10:30। देखें इट का प्रयोग हो रहा है कर्ता के तौर पर, और इट का अपना कोई अर्थ नहीं। इट वॉज 1972, इट विल बी 10:30। बहुत जोर से बारिश हो रही है, It is raining very heavily, HEAVILY, जोर से, इट इज रेनिंग वेरी हैवली। बसंत ऋतु है, इट इज स्प्रिंग नाउ। कल शनिवार होगा, इट विल बी सैटरडे टुमारो। ये है इट का प्रयोग। थैंक यू। इनके कुछ और उदाहरण मैं वीडियो बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।